से भलाई रे सानी धामा पदाने सा, ऐसे गाना है ना कि साध सानी धामा पदाने सा, ऐसे भी गाया जा सकता है, लेकिन गमक कहां से आती है? सानी धामा पदाने सा कैसे ये भलाई रे सानी धामा गमक के अलंकार। आइए सीखते हैं कुछ गमक के अलंकार। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। गमक के अलंकार, आइए सीखते हैं कुछ गमक के अलंकार। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। अभी अभी जो आपने थोड़ा कुछ अलंकारों का एक पैटर्न सुना, जिसमें कि हम स्वर भी बोल रहे थे और उनकी आस में हम आकार में गमक ले रहे थे, तो वो क्या था और उसे कैसे सीखा जाए, हम उस चीज़ को जानेंगे इस वीडियो में। और कुछ गमक के अलंकार, गमक मैं पहले आपको समझा दूँ क्या होता है, उनको हम सीखेंगे। दो चीज़ें होती हैं गायकी में, आंदोलन और गमक। आंदोलन मतलब वाइब्रेशन, कंपन, संगीत में कंपन को आंदोलन बोलते हैं। अब जैसे ये तानपुरा है, तानपुरे के तार को मैं अगर यहाँ से खींचता हूँ तो ये वापस जब नीचे आएगा दोबारा लौट के, तो कंपन होगा इसमें, ये कंपित होगा तार और नीचे आएगा, हिलेगा, और उससे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, है ना, तो उसको आंदोलन कहते हैं। ये एक ही जगह पर आंदोलन हो रहा है। दमदार आंदोलन जो होता है वो गमक होती है, थोड़ा हिलना चाहिए स्वर, है ना, जैसे प ध म प ग म म, ये आप देख रहे हैं कंपन ही है, म प ध म प ग म, है ना, ये कंपन है प ध म प, लेकिन इसी कंपन को थोड़ा दम से मैंने लगाया और थोड़ा बल से थोड़ा हिला के लगाया तो वहां गमक पैदा होती है, प प द म प प प, थोड़ा सा आपको अंदर से लानी पड़ेगी आवाज और थोड़ा शेक करना पड़ेगा उसको, लेकिन हिलाते हुए, सिर्फ कंपन नहीं होना चाहिए, वरना प ध म प ऐसा लगेगा, लेकिन हम कर रहे हैं प द म प ग म द न सा, ये गमक है, है ना। ऐसा नहीं करना, आपको जबड़ा नहीं हिलाना है, वरना जबड़ा हिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, आ, 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 ऐसा नहीं करना है। मुंह का साइज वही रहेगा, गले से और पेट से और अंदर से छाती से वो सारा जो वाइब्रेशन है वो गमक में तब्दील होना चाहिए, बदलना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए सिंपल सा आपका जो अलंकार है सा सा रे रे ग ग म म वाला, उसी अलंकार को हम बढ़ा देंगे और सात तक ले आएंगे। जैसे पहला जाएगा सा रे ग म प ध नि सा, तो उसमें एक 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 एक, एक साथ में खंड जुड़ता जाएगा सा हा सा हा, हम सा सा रे रे ग ग म म ये करते हैं, इसकी जगह सा हा रे रे ग हा, है ना, उसकी आस में एक झटका देंगे और थोड़ा हिला के थोड़ा गमक में, और वो गमक उसी स्वर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आसपास के स्वर आ जाएंगे। सा हा रे हे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, फिर तीन कर दो, दो आस कर दो, सा रे हे ग म प ध नि सा, चार कर दो, यानी तीन गमक हो जाएंगे, सा रे ग म प ध नि सा, फिर पांच करोगे तो खंड बांट देना सा, यानी एक दो तीन, ये जो झपताल का खंड है ये कर देंगे तो आसानी पड़ेगी, सा रे हे, थोड़ा तेज करें तो सा रे ग म ब ध नि सा, फिर छह कर दो तो तीन तीन कर देंगे, सा रे ग म प ध, फिर सात करेंगे तो तीन दो दो हो जाएगा, सा रे ग म, है ना, इसको आकार में भी कर सकते हैं, आ अलंकार आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं, किए हुए हैं, कोई नया कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन इसमें नया मैं बताऊंगा इनको गाने का तरीका, जो कि बल और गमक और झटके और एक झपट जो है आपको इसमें यूज करनी है। आप देख रहे होंगे मैं हर पे वजन दे रहा हूं, सा रे ग म प, पढ़ना गाने को, सा रे ग म प ध नि सा, ये भी गाया जा सकता है पर इसमें वो बल नहीं आएगा, सा नि ध प म प ध नि सा, है ना, ये आप देखिएगा कि ऐसे वजन आना चाहिए, हर हर स्वर पर एक झटका, एक वजन, एक थोड़ा सा बल आपको देना होगा। बल के अलंकार तो मैंने सिखाए हुए हैं, गरे सा मा गरे पा मा ग धा पा मा नी धा पा, ये वाले जो अलंकार मैंने सिखाए थे बल के, झपट के, गमक के, इनका रियाज किया है तो ये वाला अलंकार भी आपको अच्छे से आ पाएगा। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, चार तीन दो तीन के, है ना, जैसे कोई भी सरगम ली, जैसे भैरवी में ही चल रहा हूं तो भैरवी का ही कोई ख्याल गाता हूं मैं, कैसी ये भलाई रे कन्हाई पनिया भरत मोरी मोरी गगरी गिराई करत लराई, कैसी ये भलाई रे सा नि ध प म प ध नि सा, ऐसे गाना है ना कि साध सा नि ध प म प ध नि सा, ऐसे भी गाया जा सकता है लेकिन गमक कहां से आती है, सा नि ध प म प ध नि सा, कैसी ये भलाई रे प ध म प ग म प ध ग म ग रे सा, कैसी ये भलाई रे प ध नि सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म ध प ग म ग रे सा, कैसी ये भला कैसी ये भलाई रे, है ना, तो ऐसे वो जो गमक है वो आएगी और गले में ये दम और ये झटका पैदा होगा, तो इसके लिए ये वाला अलंकार जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, तो
बट सुनने से देखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा तो रियाज, और रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर रियाज ही आपको रिजल्ट देगा। एक आध बार करके आप मत उम्मीद रखिएगा कि वो रिजल्ट आ जाए। महीनों का रियाज लगता है, ये भी बता दूं मैं आपको, महीनों आपको इसको करना पड़ता है। वैसे तो सालों का रियाज लगता है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये गले में आते आते एक बार महीने भर में आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा कि हाँ यार, आवाज़ में और गायकी में थोड़ा फ़र्क तो है, मैंने किया है, मुझे महसूस हुआ है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। तो लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा, इसे डेली करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा कीजिए अपने गले अनुसार। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रेशर दे दें फिर गला दुखने लग जाए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी खुद भांपने की कोशिश कीजिए कि कितना होता है। हर बार कोई आपको नहीं बताएगा कि आधे घंटे करो, एक घंटा करो, नहीं, अपनी कैपेसिटी नापी है ना थोड़ी, इतना तो सीख ही गए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें ऐसे संगीत प्रभाव वर्ल्ड के वीडियोज़ को। धन्यवाद।